गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बहुत दिन के बाद मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ और आज के इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ नथुला की तरफ। नथुला बॉर्डर नहीं जाएंगे लेकिन उस एरिया को थोड़ा घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी आप लोगों ने विंटर में वहाँ का सीज़न कैसा होता है, आप विंटर में वहाँ का एरिया कैसा रहता है आप लोगों ने देख लिया है। तो अभी समर है, अभी समर सीज़न है। गैंगटॉक से नीचे बहुत गर्मी है और यहाँ पर अभी भी बहुत ठंड है। तो अभी और ऊपर जाके देखते वहाँ का मौसम कैसा रहेगा और वहाँ का एनवायरनमेंट अभी कैसा है वो देखते। तो अभी मिलते हैं आपसे। और आज मैं थोड़ा लकी रहा क्योंकि आज कल तक बारिश हो रहा था और आज देखिए मौसम थोड़ा खुला है, थोड़ा थोड़ा धूप भी लग रहा है और यहाँ पे पूरा पाइन फॉरेस्ट है और ऊपर एक गाड़ी स्टंट कर रहा है, देख रहा है आप। अभी मैं छंगू पहुंचने वाला हूं। यहां से छंगू हार्डली 5 किलोमीटर्स है और यहां पर थोड़ा अच्छा जगह मिला, वहां पर फ्लावर्स भी है तो उधर जाने के लिए मैं रास्ता ढूंढ रहा था। तो यहां पर एक रास्ता है, वहां तक जा सकते हो, उसके बाद रिवर क्रॉस करके उधर जाएंगे। तभी बाइक मेरा उधर है तो उस तरफ जाके देखेंगे। अभी अभी मेन रोड से थोड़ा नीचे आ गया मैं रिवर के पास और उस पर बहुत सारा फ्लावर्स है येलो कलर का, तो उधर सामने जाके देखेंगे। मानसून में यहाँ का अगस्त के महीना है अभी और अगस्त के महीने में पूरा फ्लावर्स ही फ्लावर्स है चारों तरफ अगर आप छंगू की तरफ आएंगे तो। तभी थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। अभी रिवर क्रॉसिंग कर लिया और मैं फ्लावर्स वाला जगह पहुंचने वाला हूं और मेरा जो गोप्रो का एक्सटर्नल माइक है वो सही से काम नहीं कर रहा है अभी, तो इस तरह इसलिए बाइक चलाते टाइम मैं सही से ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूं। तो आ गया मैं वैली ऑफ फ्लावर। पूरा वैली में फ्लावर्स ही फ्लावर्स है येलो कलर का।
अभी जहाँ तक देखेंगे सिर्फ येलो फ्लावर दिखेगा इस तरफ, येलो 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 येलो, पूरा वैली ही येलो हो गया है अभी, और नीचे रिवर के पास भी थोड़ा येलो फ्लावर्स है। और बाइक अपना उधर पे पार्क किया है, वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा में भी विजिबल नहीं है। तो अभी यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इधर से निकलते हैं। अभी फ़ोटो शूट कर लिया, रील्स बनाना था वो भी काम हो गया, तो अभी निकलते हैं। बारिश भी स्टार्ट हो गया और अभी लंच करना है। तो आगे एक जगह ठेगू पहुंचने वाले हैं, ठेगू बोल के जगह है एक, तो वहाँ पहुंच के लंच करेंगे और उसके बाद फिर अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से नाथंग वैली जैसे क्रॉस करेंगे ना, सप्लाई बोल के एक जगह आएगा, उसके बाद ऐसे डाउन हिल जाना पड़ेगा। सप्लाई तक एकदम सीधा रास्ता है ऐसी टाइप का, उसके बाद डाउन हिल, डाउन हिल थोड़ा पूरा रोड थोड़ा नैरो है, सिल्क रोड ना जो, हाँ हाँ थोड़ा रोड भी थोड़ा छोटा है, वहाँ थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है। खत्म हो गया और अभी निकल रहे, थोड़ा आगे तक जाएंगे, आज देखते हैं मौसम कैसा रहेगा। अगर मौसम ज़्यादा बारिश रहेगा तो फिर पौधा पड़ेगा। और अभी बारिश और भी होने लग गया, रेनकोट तो पहन लिया लेकिन पैंट नहीं पहना, इसलिए पैंट पूरा भीग गया है। तो ज़्यादा बारिश में आगे जाने से भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ दिखेगा भी नहीं और ठंड भी बहुत है। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।